हेलो एंड वेलकम वेलकम लवली स्टार्स रेंजर्स टू अन टूडमी दिस इज इजी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन गाइज कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग गुड मॉर्निंग सभी को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं विडी आप सभी का स्वागत करता हूँ जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए दैट वॉइस इज ऑडिबल एंड आई एम विजिबल आई थिंक वॉइस इज एब्सोटलीट इट एज इट सेम्स सो चलिए फ्रेंड्स अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे और फेमस से कोट के साथ कोट है आप लोगों के सामने दैट अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं आप लोगों को रातों से लड़ना पड़ेगा ठीक है आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट टेन फाइव पे हम लोगों ने अपना क्लास ख़त्म किया था और कल रात की क्लास के बाद आज फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ वही चीज़ें लेके कुछ अच्छा आप लोगों के लिए मैटर लेके कुछ अच्छे वर्ड्स लेके कुछ अच्छे देश दुनिया के बारे में खबरें लेके चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस ऐसा कहा जाता है बट अगर मैं बात करूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज समझ में आया? ये दोनों बातें हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा जाता है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कोई भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो कोई आप लोगों को से ये नहीं बात करेगा कि भाई आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इस लॉ के बारे में क्यों नहीं पता था ठीक है ना तो आर प्रताप बाबूराम दीपिका एंजल राजकुमार भूषण ओमिटेक एंजल निष्ठा जितने भी बच्चे मेरे पास आए हुए हैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट एक बार आइए और जल्दी से एक बार सेशन को जो है आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप एक बार फटाफट इसको शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग बच्चे जो हैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए हैं एग्ज़ाम में परसों एग्ज़ाम है ठीक है तो <laughs> कोई बात नहीं यू नो इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से थर्सडे तो फ्राइडे सैटरडे दो दिन की और बात है उसके बाद अच्छा खासा जो है अपना आ, आप लोगों का जो है सैटरडे से, को मैं आपके लोगों के लिए एक सेशन भी लेके आ रहा हूँ जो कि एक मैराथन सेशन होगा वो आपको अच्छा खासा आपकी हेल्प करेगा ठीक है ना तो दिस इज दिन अकेडमी लर्निंग ऐप अभी दस बजे मेरा क्लास होगा यहाँ पे आप लोगों को बताइए डेली हमारा क्लास होता है टेन टेन ए एम पे और ट्वेल्व पी एम पे तो आप लोग इसको जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो आप लोग जल्दी से बस को अभी डाउनलोड कर लीजिए राइट Uh, ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जो पी वगैरह हैं आप लोगों को लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ईजीली अवेलेबल आपको हो जाते हैं तो यू कैन जॉइन यू कैन से दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल ग्रुप ऑफ आवर डिफेंस वन ओवन यूट्यूब चैनल राइट फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये आप लोगों का एटथ नेक्स्ट मंडे से जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा सेवन्थ ऑफ द फेब्रवरी को सीडीएस का मैंने आप लोगों का सोनल मैम ने मैंने गोपाल सर ने और यू कैन से भुवनेश्वर ने हमने सब ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स प्लान किया है एफ कैट के लिए होगा तो डेली आप लोगों की क्लासेस होंगी ठीक है हर एक सब्जेक्ट की आपकी डेली क्लासेस होंगी और वो आप लोगों के लिए एक स्कोर बूस्टिंग कोर्स है बस इतनी सी बात है वो ठीक है ना आपके स्कोर को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं उस चीज़ में बस आप लोगों को देखना यूज़ माई कोड वीडियो जीरो सेवन यू विल गेट फ्लेट टेंट डिस्काउंट फ्रेंड राइट तो आप यू कैन प्लान फॉर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स राइट जिस तरह से आपको लगता है आप उसके तरह प्लान कर सकते हैं इस तरह के कोर्सेज आपके आते रहेंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साल का प्लान आप कर लें या अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आप दो साल का कर लें अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है तो आप और छोटे जो, जो, जो दूसरे वाले प्लान हैं जो कम ड्यूरेशन के हैं उनको भी ले सकते हैं ठीक है आज फोर्थ ऑफ द फेबररी है चलो आज देखते हैं फ्रेंड्स एक हल्का सा आप लोगों के सामने मैं अभी चीज़ें रख देता हूँ कि कौन कौन सी आज, आज आर्टिकल जो है हमें उसको डिस्कस करना है ठीक है अच्छे अच्छे आर्टिकल आज के आए हुए हैं मैं आप लोगों के सामने एक बर्ड आई व्यू रख दूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल हमें आज डिस्कस करना है सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आप लोगों का अर्बन विजन्स के ऊपर है ये बजट के ऊपर आर्टिकल है इकोनॉमिकल एकौन, आर्टिकल है आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे कि अर्बन विजन्स आप लोगों के इस बार के क्या हैं आप लोगों को पता है कि कोविड uh, नाइन्टीन का डेफिनेटली इफेक्ट तो आया ही हुआ है लेकिन आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन शी अनाउंस्ड यू कैन से ऑन फर्स्ट ऑफ द फेबररी राइट द सेंट्रल फंडिंग ऑफ वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सेवन करोड़ फॉर यू कैन से कोची राइट मेट्रो प्रोजेक्ट एंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड करोड़ फॉर बेंगलुरु चेन्नई प्रोजेक्ट एंड फोर्टीन थाउजेंड करोड़ फॉर बेंगलुरु प्रोजेक्ट राइट उन्होंने ये किया है और इनको सीन uh, सिटीज़ को जो है एक बहुत ही अच्छा लुक uh, देने के लिए राइट right? इनको uh, एक uh, ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों का एक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है उसको भी ऑगुमेंट करने के लिए जो चीज़ें हैं अभी आप अगर राइट नाउ इंडिया में देखोगे तो जो रेशो है बस का और लोगों का वो वन था, एक हज़ार लोगों के लिए एक बस है जानते हो <laughs> अगर आप देखोगे तो क्या एक हज़ार लोग एक बस में आ सकते हैं तो अगर मैं इसी को अगर मैं किसी और दूसरे कंट्री से कंपेयर करूँ तो वो बहुत रेशो ज़्यादा है लेकिन आजकल कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे ही ये पैंडमिक आया है लोगों ने अपने व्हीकल्स को प्रेफर करना ज़्यादा वो किया है लोग जो है बसों में कम सफ़र करते हैं ट्रेन में कम सफ़र करते हैं क्योंकि जान है तो जहान है तो आर्टिकल को अच्छे से डे देखेंगे क्या कुछ गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं क्या कुछ गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत तो अच्छा लगेगा ये आर्टिकल जो है आप लोगों का ऑल टू प्ले फॉर ये आप लोगों का इकनॉमिकल है ये क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है कोई स्टूडेंट अगर आपका क्रिकेट में है इंटरेस्ट रखता है तो आर्टिकल को देख सकता है अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बात यह है कि इंडिया और इंग्लैंड का भी जो टेस्ट मैच आप लोगों के होने वाले हैं चार टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी और पूरा का एक इसमें दैट विल बी फॉलोड बाय ए फ्यू ट्वेंटी ट्वेंटीज़ एंड ओ राइट इसमें फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी होंगे पांच ट्वेंटी ट्वेंटी हैं और तीन ओडीआई हैं ठीक है ना तो इट्स अ लॉन्ग टूर और ये मेरे ख्याल मार्च अट्ठाईस मार्च तक चलेगा तो पहला जो है वो चेन्नई में है और इस बार जो है विराट साहब भी फ्री हो गए हैं घर की जिम्मेदारियों से ठीक है माता रानी आ चुकी think, है आई थिंक है ना तो अब देखते हैं क्या कुछ और नया आ, करते हैं वो मतलब ये बता रहा है कि 1932 से लेके पहली बात जब फर्स्ट टाइम जो है आ, उस टाइम पे जब कैप्टन ऑफ जो वहाँ के महाराजा ऑफ पोरबंदर जो थे वो कैप्टन थे 1932 में जब इंडियन टीम वहाँ पे गई थी इंग्लैंड में ठीक है तब से लेके और अब तक जो है ये एक राइवलरी जो है वो चली आ रही है और ये तो क्रिकेट का गेम है ओबियस बात है राइट इस सेंस से देखेंगे तो चलिए ज़रा फ्रेंड्स इसको आप लोग देख सकते हैं इस आर्टिकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको पास टाइम है तो आप अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टिंग रखते हो तो आप इसको देख नहीं अदरवाइज कोई बात नहीं मैंने आपको बता ही दिया ठीक है ना तो इधर तो विराट कोहली जो है उनके आ, जो है आ, लोग तैयार हैं और दूसरी तरफ जो है आप लोगों के यू कैन से अगर मैं बात करूँ तो ठीक है ना तो इंग्लैंड वाले भी तैयार हैं ठीक है ना तो चलिए ज़रा ये आर्टिकल जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नो टू वैक्सीन नेशनलिज़म आप लोगों को दिखाएँगे किस किस इंडिया का जो आइडियालॉजी है इंडिया का जो यू कैन से वसुधैव कुटुम्बकम का जो हमारा एक एक स्लोगन है उसको हम किस तरह से पूरा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे यहाँ पे नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म एंड यस टू ग्लोबल कॉपोरेशन इंडिया अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं फ्रेंड जैसे कि अब यूनिवर्सल इनाकुलेशन जो है वो चल रहा है आप लोगों का है ना सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं लेकिन हुआ क्या यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आ, जो यूरोपियन यूनियन है ठीक है ना ईयू है जिसको कहते हैं उसने अपनी वैक्सीन इकट्ठा कर ली है कि वो दो बार तक पूरे की पूरे ई जितने भी कंट्री उसमें आते हैं वो लोग वहाँ पर वैक्सीनेट हो जाएंगे बिना बात में क्यों इकट्ठा कर रहे हो राइट यूनाइटेड स्टेट ने या यूके ने चार टाइम की वैक्सीन यूनाइटेड स्टेट्स ने इतनी वैक्सीन की जो वाइल है वाइल समझते हो ना अब तो आपको वाइल पता होता है ना तो यूएसए ने चार गुना ज्यादा वाइल स्टोर करके रख ली है अपनी क्या करेगा आपको पता ही है है ना समझ में आया ना तो चार गुना ज़्यादा वाइल को स्टोर करके रख लिया है उसके उल्टे हमने क्या किया इंडिया ने हमने ब्राजील को अपनी वैक्सीन वापस जो है हम लोगों ने दी है समझ में आया कि नहीं हुआ ठीक है ना दिस इज द डिफरेंस कैनेडा ने जो है अगर मैं बात करूं छः गुना ज़्यादा जो है वैक्सीन को इकट्ठा करके कर रख लिया है ठीक है ना और अगर आप यू विल बी यू विल बी सरप्राइज फ्रेंड्स दैट जो फाइज़र आपकी कंपनी है 82 टू परसेंट ऑफ फाइज़र का जो प्रोडक्शन है या 78 परसेंट जो मॉडर्ना का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बुक हो चुका है आगे मतलब लोग लोग यहाँ पर भी जो है लोग मर रहे हैं और यहाँ पर भी लोग जो है वो पैसा कमाने के से बाज नहीं आ रहे हैं ठीक है ना तो आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे किस तरह से आप क्या ये काम करके हम लोग जो हैं जो एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आप लोगों के हैं क्या उनको आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या कोवैक्स जो एक आप लोगों का जो प्रोजेक्ट जो कैन से स्टार्ट हुआ था ठीक है ना कि भाई जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आप देखोगे डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ठीक है ना कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कोविड एंड वैक्सीन का राइट अगर मैं बात करूँ तो ये अगर आप लोग अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को इन, इनको देखने वाली यहाँ पर चीज़ या ये आएगी कि, कि कितना ज़्यादा जो स्टोरेज है उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं ठीक है ना जो चैलेंज आपका आएगा तो आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा फिर ठीक है ना तो वेइंग इन ऑन बाइडन प्रेजिडेंसी ये फिर वही बात है ऑब्वियसली बात है दैट जो है ना क्यूरियट्स एग यहाँ पे एक डी यूज़ किया है यहाँ पे मैं ए को बताऊँगा क्या होता है ठीक है क्यूरियट्स एग का मतलब होता है कि थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा है ना अब जो बाइडेन साहब ने ट्वेंटी थर्फ जनवरी को फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट जो हैं वो अमेरिका के उनकी इन्होंने ही स्वर्न इन राइट right? और उसमें एक उसके दस दिन पहले आपने देखा कि क्या हाल हुआ ठीक है ना कैपिटल uh, बिल्डिंग में जो है किस तरह से जो अनरूलिंग मोब था दे रैन अमक राइट और किस तरह से वेंटलाइज वहाँ पे वेंटलाइजेशन वहाँ पे हुआ और ये uh, सबके लिए जो है एक बहुत ही पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी बट अल्टीमेटली द डेमोक्रेसी ट्राइम्फ राइट तो इसमें यहाँ पर अब ये बात कहना चाह रहे हैं कि uh, जो मिस्टर बाइडन हैं वो बिगट्री को नफरत करते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है ना इस तरह की उन्होंने उनके मुंह से इस तरह की अभी तक कोई भी बात देखने को नहीं मिली है जो कट्टरपंथी की बात है जैसे जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उस टाइम पे टाइम पे देखने को मिलती थी और वो डेमोक्रेटिक वैल्यू में है मतलब वापस जो आप लोगों का अगर मैं बात करूँ जो डेमोक्रेट्स हैं मतलब जिस तरह से पहले बराक ओबामा साहब का टाइम था बराक ओबामा टाइम पर अगर मैं बात करूं जो हमारे रिलेशनशिप थे वापस ये भी उसके उस टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन वॉज वाइस प्रेजिडेंट ड्यूरिंग बराक ओबामा रजीम तो अब जो है ये प्रेजिडेंट बन चुके हैं तो ऑलमोस्ट हम ऐसा ही कुछ लगा लो कि और एक दूसरे जो है बराक ओबामा हमारे पास आ चुके हैं लेकिन क्या क्या ये जो अब आए हैं नए आए हैं या हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे जिस तरह से इन्होंने अब देखा कि आ, आते ही इन्होंने मतलब जो है वो आप लोगों का अगर आप देखोगे जो मैशर्स ईरान को लेके ठीक है ना या आप लोग जो हैं कोई और दूसरी चीज़ें हैं उनको लेके जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेप्स लिए हैं दे आर वेरी ड्रेस्टिक स्टेप्स उन्होंने आप यू विल यू विल बी सरप्राइज्ड 1.9 ट्रिलियन का इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है कोरोना वायरस पैंडमिक के लिए तो ये एक अच्छी जो चीज़ें हैं ये मतलब इकोनॉमी बचाओ इकोनॉमी बचाओ इस तरह से नहीं देख रहे उन्होंने जो मिनिमम वेज है जो वहाँ पर दी जाती है लोगों को उनको भी बढ़ा दिया ठीक है ना इस सेंस में आप लोगों का यूज़ कर सकते हैं Uh, तो ये uh, चाइना को लेके क्या पॉलिसी रहेगी आप लोग देखोगे यहाँ पे कि uh, चाइना के साथ कैसे डील करना है मतलब राइजिंग चाइना इज़ नॉट मेयरली द सिंगल मोस्ट सीरियस चैलेंज द यूएस फेस ए प्रेजेंट राइट वो इकोनॉमिकल भी है डिप्लोमेटिक भी है और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट भी है यूएस के एम्स के लिए ठीक है ना तो ये हमें देखना पड़ेगा और इंडिया के लिए जो है आप लोगों का इंडिया के लिए क्या है अब अगर मैं बात करूं तो आ, ये जो है अगर आ, ये ना एक तरह से क्यूरेट्स एगी हो जाएगा ठीक है ना गुड इन पार्ट्स मिस्टर बाइडन एज वाइस प्रेजिडेंट वॉज वेल नोन टू समर्स एज हैविंग प्लेड ए क्रिटिकल रोल एज चेयरमैन द दिनियट रिलेशन कमेटी इन पुशिंग थ्रू द आइकोनिक इंडिया यू एस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट राइट ये तो है ओबीसी बात है इन्होंने एक अच्छा आ, जो है एक रोल प्ले किया था जो इंडिया यू एस की जो न्यूक्लियर डील हुई थी राइट right? लेकिन अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अगर कुछ इशूज़ को ले ठीक है ना थोड़ा सा ये लेस भी है जैसे कश्मीर वगैरह के इशू को ले या मुस्लिम माइनॉरिटी के इशू को ले इन्होंने कुछ बात बोली है ना कश्मीर का इशू हमारा इशू है वेल यू आर यू वॉन्ट टू से समथिंग ठीक है ना ठीक है आप लोग आप लोग हम हम एक सोवरन कंट्री है हम कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि जिस तरह से आपने बोला कि वहाँ पर आ, मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं कौन से अत्याचार हो रहे हैं किस चीज़ के अत्याचार हो रहे हैं आप मुझे बताइए ठीक है ना तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट मुझे इनकी लगा मुझे भी खुद लगा मैं आप उसमें मुझे बायस भी बोल सकते हो अब अपने देश को बचाना है भाई तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया वो टेररिस्ट हैं ठीक है क्लियर है ना तो इस तरह के जो उन्हें स्टेटमेंट दी हैं जब न्यूक्लियर डील की बात करते हैं तो उनकी बात अच्छी भी लगी थी जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ी बुरा भी लगा ठीक है ना तो ये क्यूरियस एग है पार्टली गुड पार्टली बैड तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है ठीक है ना तो ये ये आपका पूरा आर्टिकल था इस आर्टिकल को आप देख सकते हो आर्टिकल वी गुड ठीक है ना तो ऑब्वियसली बात है हमारे सोल्जर्स की जो जान है वो भी मायने रखती है यार ठीक है ना वो वहाँ पे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को अपने घर वालों से दूर बैठ के वहाँ पे आप लोगों के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कोई भी एक आदमी बम लगा के आ जाता है और जो है वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है तो दैट इज नॉट यू कैन से राइट वे ठीक है ना टू से right? okay, तो आइए जरा आर्टिकल को अच्छे से देख लेते हैं कि करके आप लोगों को अच्छा लगेगा राइट चलिए हाँ जी uh, ये फर्स्ट uh, जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे आज फोर्थ ऑफ uh, उसमें जो, जो आर्टिकल है वो है हाँ आप लोगों का अर्बन विशंस राइट अर्बन विशन ठीक है ना तो अर्बन मिशन में जो फर्स्ट जो आप लोगों का वॉकेगरी है वो है ऑग्यूमेंट, ऑक्यूमेंट एी एम ई एन टी आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ऐसा कर सकते हैं बट बाइडन गवर्नमेंट विल नॉट कम फ्रंटली। ओके <clears throat> मैं मैं वही तो कह रहा हूँ विक्रम वही कह रहा हूँ मैं कि ये ना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आप मानो मेरी बात है आ, ना इसलिए हम भी कन्फ्यूज़ थे इसलिए ना हमने ये दिखाया कि हम ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ना हमने ये दिखाया कि हम बाइडन के सपोर्टर्स हमने किसी को नहीं हम भी चुप रहे है ना दे आर नॉट परमानेंट फ्रेंड्स दे आर नॉट परमानेंट एनिमीज दे हैव देर परमानेंट इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट अगर हमारे अंदर दिखेगा वो हमारी मदद करेंगे नहीं दिखेगा नहीं करेंगे बात खत्म सिंपल सी बात है बेटा समझ में आया ना तो जितने भी बच्चे मेरे पास हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी हम लोग अपना अभी काम हमने स्टार्ट कर दिया और के बाद कि प्लीज़ एक बार आप सेशन को जो है जल्दी से शेयर कर दीजिए ऑग्यूमेंट का मतलब जो होता है बेटा वो क्या होता है वृद्धि करना टू इंक्रीज द साइज द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड वर्ड ऑगूमेंट करना राइट right? इस सेंस में अच्छा वर्ड है एक इनहेंस करना देखो चिन मैंने वर्ड लिया है इनहेंस करना भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं ए एन यू कैन से एच ए एन ठीक है ना ए एन एच ए एन राइट एच ए एन सी इनहेंस करना वृद्धि करना इंक्रीज करना वैल्यू में किसी में इंक्रीज करना उसको इनहेंस करना बोल सकते हैं ही वुड हैव टू फाइंड वर्क टू ऑग्यूमेंट हिज इनकम अगर आप, आप आपके इनकम अपने इनकम आप डबल करना चाहते हो अपने इनकम का ट्रिपल करना चाहते हो तो यू विल हैव टू फाइंड वर्क टू ऑग्यूमेंट यूर इनकम राइट टू ऑग्यूमेंट यूर स्टैंड टू ऑगुमेंट यूर पॉइंट इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन एक अच्छा वर्ड था यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे अब एक बच्चा उस दिन मुझे दो दिन पहले एक बच्चा रात को बोल रहा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास ले लो आप लोग ये मत सोचें कि पार्ट्स सो ऑफ स्पीच कोई टॉपिक होता है वो यू है वो आपका पागल बना रही है जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से कोई टॉपिक ही नहीं होता पूरी ग्रामर को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं बट बच्चों के दिमाग में आ जाता है मैं, मैं कैसे समझाऊँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वो इस तरह से कोई आपका टॉपिक ऐसा बनता ही नहीं है इसलिए यूपीएससी कुछ इस तरह से टॉपिक लेके आती है जो टीचर्स से भी परे हो जाते हैं स्टूडेंट्स से भी परे होते हैं बुक्स में तो होते ही नहीं है ठीक है ना इसलिए वो नॉलेज देखना चाहते हैं आप लोगों की ये जो मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ स्टैंडल एजेक्टिव होता है ये पार्ट्स ऑफ पीछे तो चल रहा है बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें ऐसा कर दे बस तू कि चार ऑप्शन ला और फिर हमसे पूछ ले तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे राइट right? आप कभी भी देखिए फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से आपको कोई टॉपिक मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिए किसी बुक में मिल जाए तो ठीक है ना एज सच कोई टॉपिक होता ही नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा ग्रामर को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं जितने भी हमारे आठ जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है एडवर्ब है वर्ब है ठीक है ना नाउन है प्रोनाउन है ये सारे के आप लोगों के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनको करने के लिए आपका ऑलरेडी एक तीन महीने का पूरा स्ट्रक्चर है वो आप लोग एक एक उसमें कैसे कर सकते हो ठीक है ना थोड़ा सा आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा इन बचकाना बातों से बाहर निकल के हमें ये देखना है कि अपने पेपर को कैसे क्लियर करना है ठीक है ना मतलब तीन चार दिन बाद किसी ना किसी को एक फिट्स आता है एक दौरा आता है और लिख देता है सर एक क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ले लो अरे उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा ठीक है ना इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप लोग अगर डेली आप क्लास अटेंड कर लोगे ये वाली सुबह वाली तो आपके सारे पार्स ऑफिच वैसे ही तैयार हो जाएंगे ठीक है ना तो स्टैंड अब मैं ये आप आपने देखो मुझे क्या लग क्या, क्या करना पड़ता है स्टैंड लोन जैसे एक वर्ड आया अब मैं कंफ्यूज था स्टैंड लोन यार ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है कि वर्ब एक एडजेक्टिव अजक्ट, की तरह इस्तेमाल होता है मैंने डिक्शनरी को उठाया आप क्या सोचते इतना आसान होता है बनाना डिक्शनरी को उठा के देखा फिर मीनिंग को समझा तब वहाँ पे एजेक्टिव लिखा कि स्टैंडरलोन क्या होता है एक एबजेक्टिव की तरह काम करता है दिस इज द वे टू लर्न अ लैंग्वेज दिस इज द वे ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है मुझे कोई चीज़ें नहीं पता तो मुझे देखनी पड़ती हैं ठीक है तब जाके काम चलता है स्टैंड अलोन का मीनिंग क्या होता है जरा देखो आप लोग दैट कैन ऑपरेट ऑन इट्स ओन अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर अब अपने आप कंप्यूटर कहीं ऑपरेट करते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है ना अपने आप हमारी जो ऐप है ये हमारी जो ऐप है एकेडमी ऐप इट्स अ स्टैंड अलोन ऐप ठीक है ना अपने आप जो है ऑपरेट करती रहती है बस उसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं इट्स स्टैंड अलोन ऐप है राइट ए स्टैंड स्टैंडलोन बिजनेस मॉडल कोई ऐसा आप देखते हो ना आप लोग आते हैं लोग आपको बिजनेस बताने के लिए सर ये कर लो आपको फिर कुछ नहीं करना बिजनेस अपने आप आप ग्रो करता रहेगा आपके चेक्स आते रहेंगे यही बोलते हैं ना लोग आप लोगों को आके हालांकि वो चेक कभी नहीं आते स्टैंड स्टैंडलोन बिजनेस मॉडल है सर ये है ना इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे एक वर्ड इसमें दिया हुआ है एंगस्ट एंगेस्ट नहीं बोलते इसको क्या बोलेंगे इसको एंगस्ट अब एंगस्ट जो है देखो एंगस्ट एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है मैंने देखा इसको डिक्शनरी में ठीक है देखा इसको पता किया अब लिख दिया आप लोगों के सामने एंगस्ट एन जी एस टी जी इज साइलेंट हियर एंगस्ट का मीनिंग क्या होता है स्ट्रॉन्ग वरी या अनहैपीनेस जो चिंता होती है आप लोगों की जो यू कैन से अनहैप्पीनेस को क्या बोलते हैं ठीक है ना एक तो खुशी होती दुख होता है ना अनहेपीनेस है कोई दुख है या नाखुशी की कोई बात है ठीक है ना उसको एंगस्ट बोल देते हैं ठीक है ना जैसे ही इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ अडोलिसेंट एंगस्ट ठीक है ना देखो एंगस्ट आप लोगों का क्या हो गया सर ये नाउन हो गया अडोलिसेंट क्या हो गया एक एजेक्टिव हो गया एक एजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है ना आप लोग जब 17, 16, 18 इयर्स के थे तो एक अजीब सी परेशानी आप लोगों के अंदर रहती है ना उस उस, उस उम्र में ऐसा होता ही होता है आप लोगों को थोड़ा करियर के बारे में डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा होती हैं अब तो कम से कम आपको पता है कि आपको करना क्या है उस टाइम पर आपको ये पता ही नहीं होता आपको करना क्या है ना टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद है ना दुनिया भर के लोग आपको ज्ञान देने आ जाते हैं ठीक है ना तो वो मेंटल एंगस्ट जो होता है जो जो एडोलिसेंट एंगस्ट होता है वो सब लोग उसके उस, उसके 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 दौरान गुजरते हैं ठीक है ना उस पीरियड से गुजरते हैं सब लोग ऐसा होता है ठीक है ना ऐसे यूज कर सकते हो कि नहीं गॉड नॉट समझ में आया ना ऐसे यूज कर लोगे ना एडोलिसेंट कौन कौन गुजरा है है कोई ऐसा जो गुजरा है तो राइट ठीक है चलिए तो आ, तो अगर आपने आज सही कह रहे हो दुबे साहब आप ना काफ़ी दिन बाद क्लास अटेंड कर रहे हो क्योंकि आप अभी आए तो मैं आपको पहले मैंने बता दिया था कि मंडे से आपका जो है नया बैच स्टार्ट हो जाएगा ठीक है पिच फोक पिच फोक का मीनिंग क्या होता है पहले तो पिच फोक बताओ जरा कम ऑन आई एल बी हैप्पी पिच फोक का मीनिंग पता है पिच फोक जो होता है वो एक एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है जो जिसको आप लोग इसको क्या बोलते हैं आप लोग जरा बताना अटूल शार्प मेटल पॉइंट्स राइट टू और थ्री पॉइंट्स होते हैं इसको क्या बोलते हो ये पिच फॉक होता है ठीक है दिस इज कॉल्ड व्हाट? पिच फॉक लेकिन इसको ये पिच फॉक जो है वो एक ईडीएम की तरह इस्तेमाल हो रखा है यहाँ पे एक लाइन में ठीक है ना अब उसको मैं पहले मुझे लगा कि चलो मैं पहले इसको समझाता हूँ जितना रिसर्च होता है उतना मैं करके लाता हूँ पिच फॉक का मतलब ये वाला हो इसको बोलते क्या हो बताओ ना हु? इसको क्या बोलते हम तो हम तो जेली बोलते जेली हरियाणा इट इज कॉल्ड जेली जेली आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो ए शार्प टूल विद शार्प ए टूल विद शार्प मेटल पॉइंट्स आप बताओ ना जरा मैं देखना चाह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं बताते रहना एक होता है पिच फोक समबडी इन टू सम किसी को पिच फोक कर देना किसी चीज में समझ में आया ना ये क्या है एक पिच फोक समबडी इन टू समिंग राइट इस सेंस में यूज हो रखा है फावडा बोलते हैं फावड़ा ये होता है क्या बात कर रहे हो आर प्रताप अच्छा लो तुम्हें यही नहीं पता इसको बोलते क्या है कभी काम किया नहीं हो इसका मतलब दांत वाला फावड़ा बोलते हैं सर हेल्थ एंड फिटनेस जोन क्या बात है थैंक यू सो मच भैया एक दांत वाला फावड़ा देना ऐसे ऐसे लेके आओगे क्या बात कर रहे हो यार कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे आप जरा पूछो घर में पूछना फावड़ा इज समथिंग डिफरेंट करूँगा ठीक है चलिए पिच फोक समबड़ी इंटू समथिंग जरा देखिए क्या बोलते हैं टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट जब आप नहीं चाहते हो सर तंगली बोलते हैं सर हाँ अब आए ना अपने अपनी अपनी लैंग्वेज में आए अभी लोग क्या बोलते हैं तंगली काट भी दिया उसने फावड़ा तो प्लेन होता है ये विक्रम सही बोल रहा है फावडा तो प्लेन होता है ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं तो पिच फॉक समबडी इंटू समथिंग क्या होता है टू बी ना डिफिकल्ट सिचुएशन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाना देखो मैं आपको सेंटेंस यूज करके दिखाता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा हिज फादर डाइड वेन ही वॉज ट्वेंटी वन उसके पिताजी गुजर गए सेंटेंस थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन क्या करूँ यही मिला हिज फादर डाइड वेन ही वॉज ट्वेंटी वन एंड ही वॉज पिच फॉक्ड इन टू रनिंग द बिजनेस समझ में आया ना उसके पिताजी जो है वो गुजर गए जब वो इक्कीस साल का था एंड ही वॉज पिच फोक्ड इन टू रनिंग द बिजनेस और फिर उसको बिजनेस में डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया ना इक्कीस साल का आदमी को अगर आप लोग जो है आ, दे देंगे चीजें दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है ना इस, इस सेंस में यूज कर सकते हो बेटा राइट समझ में आ गया वो वर्ड आप लोगों को राइट right? बोल्स्टर एक वर्ड होता है बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है बूस्ट करना स्ट्रेंदन करना ताकतवर बनाना कमऑन यू कैन डू इट यू कैन डू इट गाइज तो क्या किया टीचर बॉलस्टर्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स राइट इस सेंस में यूज कर सकते हो अनफ्लैपेबल एक अच्छा वर्ड था या, ये यहाँपेबल का मतलब होता है जो बोल्ड होता है जो किसी चीज से घबराता नहीं है अनफ्लैपेबल स्टूडेंट अनफ्लैपेबल पर्सनैलिटी राइट अनफ्लैपेबल इस सेंस में जेस्चर राइट right? कोई दिक्कत नहीं है सर देख लेंगे आ जाएंगे कोई बात नहीं सात तारीख को देख लेंगे क्या आएगा ठीक है ना अनफ्लैपेबल जेस्टर अनफ्लैपेबल टोन ऑफ द स्टूडेंट राइट समझ में आए ना जो चिंता बिल्कुल नहीं करता जो बोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अनफ्लैपबल बोलते हैं डेंट डेंट ये ऑलरेडी आया भी हुआ है टू मेक समबडी लेस कॉन्फिडेंट उसको डेंट द कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं हिज कॉन्फिडेंस वॉज बैडली डेंटेड समझ में आया ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो ठीक है ना चलिए और देखें आइए जरा काफ़ी सारे वर्ड हो गए ना तो अब आप लोगों के सामने मैं चीज़ें रख देता हूँ क्या आज बजट देखो बजट चार पाँच दिन तक ये बजट चलेगा कल भी यही इसी तरह का आर्टिकल था जो कल वाला जो आर्टिकल हमने कल नहीं पढ़ा तो आज उसका हरजाना जाना व्यू कर लेंगे भुगत लेंगे है ना क्योंकि कल वाला जो आर्टिकल था ये ऑलमोस्ट सेम आर्टिकल है ठीक है ना जो वो कल वो भी ट्रांसपोर्ट के बारे में था ये भी ट्रांसपोर्ट के बारे में है बजट से रिलेटेड तो ये काम भी चल जाएगा ठीक है ना ओके तो विद अ क्लियर फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विसेज थ्रू सेंट्रल फंडिंग बजट ट्वेंटी हैज रिकग्नाइज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन ठीक है ना एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विसेज थ्रू सेंट्रल फंडिंग बजट 2021 बजट ने क्या कर दिया हैज रिकगनाइज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इस बार अर्बनाइजेशन थोड़ा सा ही कोर कंपोनेंट आया हुआ है कंफर्टेबल है सेफ अफोर्डेबल कम्यूटिंग कम्यूटिंग का मतलब जो यू कैन से यात्रा होती है उसको कम्यूटिंग बोलते हैं डेली कम्यूटर्स नहीं बोलते आई एम डेली कम्यूटर हैं कई लोग दिल्ली से जो है नोएडा डेली कम्यूटर्स हैं वो दिल्ली से डेली डेली से नोएडा जाते हैं कहीं दिल्ली से गुड़गांव ए भगवान ठीक है ना पूरी दिल्ली को पार करके चीरते हुए पूरी दिल्ली को दिल्ली से गुड़गांव डेली कम्यूटर्स हैं उनको कम्यूटर्स बोलते हैं यात्रा कम्यूटिंग हैज वेल मल्टीप्लायर इफेक्ट्स फॉर द इकॉनमी एंड मोर जनरली फॉर पब्लिक हेल्थ ऑल द कोविड नाइनटीन हैज हैड द पवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग पीपल अवे टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल कार एंड टू व्हीलर बबल्स अब ओबीएससी बात है भाई पहले कभी कभार मेट्रो में हम लोग भी जो है यू कैन से वो कर लेते थे ट्रैवल कर लेते थे कम्यूट कर लेते थे लेकिन जब से कोविड नाइन्टीन आया है मैं मेट्रो की शक्ल देखी मुझे कई साल हो गए हैं मतलब पूरा साल हो गया है ठीक है मैं तो नहीं गया कभी मैं अपनी गाड़ी कभी भी मुझे यूज़ करना होता तो मैं अपनी गाड़ी यूज़ करता हूँ या अपना टू व्हीलर यूज़ करता हूँ ठीक है ना तो एक मुझे अलग से एक परवर्स इफेक्ट मेरे अंदर आ गया परवर्स प्लेजर होता है ना जैसे प्लेजर समझ दो आप लोग मुझे कई बार यूज करते हो दैट सर आप लोग जब हमारे आंसर गलत होते हैं तो यू टेक अ परवर्स प्लेजर है ना मतलब दैट इज नॉट ट्रू तो एक परवर्स इफेक्ट ऐसा लग रहा है लोगों का कि वो अपने टू व्हीलर को ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं तब से लेके क्योंकि जान है तो जहान है अब अब आप लोग जो है मेट्रो पे पैसा खर्च कर रहे हो लोग टू व्हीलर पे आ रहे हैं इससे अच्छा तो लोन सस्ते कर दो ताकि वो ले ले देर इज लिटल डाउट दैट वेन द पेंडेमिक इज अंडर कंट्रोल मोर पीपल विल रिटर्न टूर क्लीन एंड ग्रीन मैस मोबिलिटी अब डाउट है आप लोगों को ठीक है ना डाउट है फिनंस मिनिस्टर निर्मला आंटी अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल फंडिंग ऑफ इतने करोड़ का नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन करोड़ का सिक्सटी थ्री थाउजेंड करोड़ का एंड फोर्टी नाइन करोड़ का ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे दिखाया है मैंने तो कोची चेन्नई में कोची में चेन्नई में और बेंगलुरु में ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे

That will enable public private sector players to finance acquire operate and maintain over 20000 buses 20000 बस जो है अब जो है इंडिया में नई लाई जाएंगी अब 20,000 हजार बसेज आएंगी तो लोगों को काम मिलेगा लोगों को काम मिलेगा तो थोड़ा सा इकोनॉमी बूस्ट होगा इंडिया रेशियो ऑफ बसेस टू पॉपुलेशन इज ए लो 1.2 पर 1,000 पीपल एक हजार लोगों के लिए मुश्किल से एक बस है हमारे पास कंपेयर टू इन थाईलैंड एंड इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में हज़ार लोगों के लिए आठ बसें हैं छः बसें हैं थाईलैंड में आठ लोग थाईलैंड गए हो कभी थाईलैंड आठ एक हज़ार लोगों के लिए एक हजार लोगों के लिए आठ बसें हैं वहाँ पे ऑल दो कितना थाईलैंड है कितना सा है साउथ अफ्रीका कितना सा like well uh, है साउथ अफ्रीका ऑल दो सम स्टेट्स लाइक कर्नाटका आर वेल हैड ऑफ द नेशनल एवरेज एज पर नीति आयोग डेटा ये नीति आयोग का डेटा है कर्नाटक वगैरह में थोड़ी सी बसेस ज़्यादा हैं लाइसेंस्ड प्राइवेट अर्बन बस सर्विस रिमेन अ पोलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक इन मैनी स्टेट्स है ना कई लोग अपनी प्राइवेट बस चलाते हैं आप लोग देखते ही हो कई लोग आप भी प्राइवेट बस में सफर करते हो कि नहीं करते हो तो लाइसेंस्ड हैं वो प्राइवेट अर्बन बस सर्विस हैं ये वाली सर्विस वो वाली सर्विस है ना दुनिया भर के आजकल चला रखे हैं गीता ट्रैवल सीता ट्रैवल मीता ट्रैवल नीता ट्रैवल है ना दुनिया भर के हैं तो अपना सेंसिटिव टॉपिक है ये वेयर स्टेट्स मोनोपोलीज को एग्जस्ट विद अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड है ना वो रेगुलेटेड नहीं है अनरेगुलेटेड है

जो इंटरवेंशन मेट्रो और बस सिस्टम ग्राउंड उसके अलग ही चैलेंज आएगा क्या स्टेट गवर्नमेंट्स विच रूटीन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अर्बन डेवलपमेंट रादर देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैव फेल्ड टू ऑपरेशनलाइज द अम्ब्रेला अथॉरिटीज़ टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट राइट उनको जो जो भी अथॉरिटी वहाँ पर हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर मैं बात करूँ वो फेल हो रही है ठीक है ना टू ऑपरेशनलाइज द अम्ब्रेला अथॉरिटीज़ टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में क्योंकि अभी च, कोई पर्टिकुलर जवाबदेही किसी की है ही नहीं common mobility cards that would help citizens use bus, train, and feeder networks seamlessly work largely in pilot projects mode even before the pandemic. right, this, there is valid criticism that the existing paradigm is one of the exclusionary urbanization, which makes metro and bus routes expensive for the majority, particularly those forced to live in the suburbs due to housing cost and sometimes making the per-kilometer cost using two-year more attractive. क्या बोल बात कहना चाह रहा है कि जो एक एक्सक्लूशनरी ऑर्गनाइजेशन है जैसे कई लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ एक बात जैसे ये गुरुग्राम है ठीक है ना ये गुरुग्राम आपको मैं समझाता हूँ इसको बड़े ले मैन वे से इसने तो थोड़ा डिफिकल्ट थो थो लैंग्वेज बना दिया इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं बोल रहा है खैर ये गुरुग्राम है, है यहाँ पे तो गुरुग्राम में अगर एक आदमी एक कपल रहता है तो वो उसका जैसे रेंट है वहाँ पे मिनिमम जो मिनिमम रेंट है वो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ एक फ्लैट का है टू बी के फ्लैट लोगे तो आपको बीस पच्चीस हज़ार से कम नहीं मिलेगा गुरुग्राम के अंदर तो लोग क्या करते हैं लोग क्या करेंगे लोग क्या करते हैं पंद्रह किलोमीटर बीस किलोमीटर दूर जो यहाँ पे कोई भी एक सोसाइटी बनी हुई है घर बने हुए हैं ठीक है ना या कोई गांव है तो लोग अपने या कोई एक क्योंकि गुरुगाँव के जो विलेज हैं वो ऑलमोस्ट सिट टाइप ही हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग यहाँ पे रह लेते हैं यहाँ पर रह लेते हैं यहाँ पर दस हज़ार का उनका जो है वो यहाँ पर बीस हज़ार का घर है यहाँ पर जो आप लोगों का घर है उधर उनको दस में मिल गया वही ठीक है ना वही दस में मिल गया और क्या करते हैं अपनी गाड़ी ले लेते हैं तो इसीलिए वो लोग बस से सफर क्यों करेंगे वो लोग क्या करेंगे ये दस हजार रुपए का अपना वो तीन हजार रुपए का पेट्रोल फूंक देंगे ठीक है ना सात हजार तो उनके बच गए ठीक है ना तो वहां पे क्यों रहेंगे वो तो आप अर्बनाइजेशन में बसें ला रहे हो क्या फ़ायदा क्या है उन लोगों का आप मुझे बताइए अब समझ में आए ना आप लोगों को तो वो ये कहना चाह रहा है दैट दोज हु फोर्स टू लिव इन द सब्स ड्यू टू हाउसिंग कॉस्ट जो हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो सबब्स सबब्स का मतलब पता है क्या होता है सबब का मतलब होता है मैं आपको सिखाऊं अगर ये लो इसको ना थोड़ा सा तोड़ो इस वर्ड को तोड़ो सबब्स को बोलते हैं सब अर्बन एरिया ठीक है ना दिस इज कॉल्ड सबब्स सब अर्बन एरिया सबब्स सबब्स बोलते हैं इसको जो आधा अर्बन एरिया है समझ में आया ना छोटा सा कोई गांव गाँव हो गया कम शो, 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 शहर हो गया प्रॉपर कोई उसके मतलब मैं गुरुगावा का जो कोर गुरुगाव है और सेक्टर उनतीस का एरिया है ठीक है ना सेक्टर इकतीस ए है बत्तीस का एरिया है ठीक है ना इस सेंस में जो एरिया है उससे थोड़ा सा दूर हट के अब समझ में आ गया आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो हम सब दिखा सकते हो तो टू टू व्हीलर यूज़ कर लेगा उसके लिए वो अट्रैक्टिव है वो सस्ता पड़ रहा है आजकल आप देखोगे ये एक क्या है वो रैपिडो 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 वैपिडो वगैरह लेके कई बार जैसे हमारा हम लोग जो है कुछ हो जाता था है ना कई बार हम वहीं पर रह लेते थे कई बार ऐसा होता था रात को भी क्लास लेते थे जैसे मैं जब जहाँ पे था तो हम गाड़ी खड़ी कर दी भाई चलो भाई कहीं बाइक पर चले चल जाना है तो वो रैपिड वगैरह बुक करके चले चल जाते थे है ना ऐसे इस तरह से काम करते थे तो मोर ओवर सेंसस ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी इलेवन शोड दैट द नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स विच आर अर्बन फॉर सेंसस पर्पजेज बट नॉट नेम्ड अर्बन लोकल बोर्ड इज ग्रीट डेकेड है ना तो ये डाटा शो करता है कि जो सेंसस टाउन्स हैं तो अर्बन सो हैं लेकिन वो बट नॉट नेम्ड अब अभी हुए नहीं हैं दे लैक एक्सेसो टू फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी टू मीट द नीड्स टू फिलज पॉपुलेशन इवन नाव राइट एनहेंस एम्बिशन देयर फोर रिक्वायर्स देंटर टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को जो है स्टेट गवर्नमेंट साफ वर्क करना पड़ेगा टू इंटीग्रेट की एरिया विद इट्स ट्रांसपोर्ट विशन सच एज अफोर्डेबल इनर सिटी हाउसिंग इंक्लूडिंग रेंटल प्रोजेक्ट्स सिविक सर्विसेज हेल्थ केयर इन्हेंस सस्टेनेबिलिटी ग्रीनरी वॉकेबिलिटी इस तरह की चीज़ें ग्रीनरी लेके आओ आप पहले सिटीज़ के अंदर वॉकेबलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए लोगों को रास्ता निकलने का कम से कम हो ना ठीक है सस्टेनेबिलिटी हो हेल्थ केयर वहाँ पर ठीक ठाक हो तब आप अपने आप लोग आप लोग को देखोगे वहाँ पर ऑर्गनाइजेशन अपने आप डेवलप हो जाएगा तो ऑल दीज आर कवर्ड बाय सेंट्रल बजटरी स्कीम्स फॉर सिटीज़ ऑन इंटीग्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है ना जो इंटीग्रेशन है वही इंक्लूसिव ऑर्गेनाजेशन लेके आएगा नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वही है नो टू वैक्सीन काफ़ी अच्छे हैं ये अरुण सर और जोसेफ सर दोनों के दोनों ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है काफ़ी अच्छा लगा मुझे उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके आए हैं राइट और इन्होंने जितनी रिसर्च की होगी हमने उनको रिसर्च को आपको दस मिनट में समझा दूंगा बस मैं है ना तो नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म यस टू ग्लोबल कॉपरेशन ये वैक्सीन नेशनलिज्म को थोड़ा नो बोलो ठीक है कि हमारी हमारी हमारे हमारी इकट्ठा कर लो इकट्ठा कर लो ग्लोबल कॉपरेशन पे आके लेके आओ संसार को बचाओ पहले ठीक है ना क्यूरियट्स एग्ड यहाँ पर एक ई आया हुआ था उसके ऊपर वाले में आया हुआ था मैंने इसमें ले दिया ये क्यूरियट्स एग का मतलब पार्टली गुड पार्टली बैड है ना जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स टू बी अ क्यूरियट्स एग फॉर इंडिया थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है जब भी ये कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करता है मुस्लिम्स के जो आपका हमारा सी ए ए है उसके ऊपर बात करते हैं तो थोड़ा हमें अजीब लगता है क्योंकि हमारा इंटरनल मैटर है हु द हेल यू आर ठीक है ना जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी या और जो हमारे जिस तरह से टेररिज्म को लेके जो है ठीक है ना जब उन पर बात करते हैं तो हमें थोड़ा ठीक लगता है पार्टली गुड पार्टली बैड इसको क्या बोलते हैं क्यूरेट्स एग आ सकता है पेपर में मैं पहले बता रहा हूँ पेपर में आ सकता है रन अमक ए एम यू सी के भी बोलते हैं इसको ए एम ओ के भी बोलते हैं इसलिए मैं दोनों लेके गया आ आ हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए ठीक है ना रन अमक या अमोक आउट ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं रन अमक का मतलब क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल जरा देखो इनोकुलेशन इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है वैक्सीनेशन ठीक है ना इनोकुलेट करना मतलब आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है अभी जरा देखते हैं सिंस द वर्ल्ड वाइड इनोकुलेशन प्रोसेस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग पूरे वर्ल्ड में जो है अब इनोकुलेशन चल रहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज बिकम अ हॉट टॉपिक अब वैक्सीन के ऊपर डिप्लोमेसी हो रही है एज दिस हैज स्पेयर नो कंट्री किसी कंट्री को नहीं छोड़ा चाहे वो इंडिया था चाहे वो चाइना था ठीक है ना चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है थोड़ा सा कम है चलो यहाँ पे ठीक है ना चाहे वो यू एस ए बुरा हाल मचाया समझ में आया कि नहीं अफ्रीकन जो आपके साउथ अमेरिका है आपका बुरा हाल मचाया अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बुरा हाल मचाया समझ में आया ना यूरोप में तो और भी बुरा हाल अभी दूसरे म्यूटेशन आ गए हैं तो कोई भी कंट्री नहीं छोड़ा

एडवांस परचेज कर ली है दो टाइम दुगना डबल जो है वो अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है यूएसए और यूके चार गुना कर सकते हैं कैनेडा छः गुना कर सकता है किस लिए उन्होंने इकट्ठा की है हमें नहीं पता 82 परसेंट ऑफ फाइजर का प्रोडक्शन जो है 2021 में और 78 परसेंट ऑफ मॉडर्ना का जो है हैव ऑलरेडी एडवांस परचेज बाय रिच कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया अब ये तो इनके कंपनियों के मजे हो गए यस और नो द एक्सेप्शन राइट हाँ क्या हो गया शिवानश बहुत दिनों बाद हाँ दीपक दीपिका विक्रम अगर समझ में आ रहा तो मुझे बताते रहिए द एक्सपेक्टेशंस दैट एन अर्ली वैक्सीनेशन विल ब्रिंग बैक नॉर मेल्सी एंड रिक्वायर्ड पुश टू द इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूअल्ड मनी एडवांस कंट्रीज टू इंगेज इन वैक्सीन बैटल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कॉपरेशन हैव गोन आउट ऑफ विंडो नाउ अब वो कोई आर्गूमेंट उसके बारे में बात कर ही नहीं रहा है एडवांस कंट्रीज़ हैव टर्न देयर बैक ऑन द नीड ऑफ पोअर कंट्रीज टू एक्सेस कोविड नाइट वैक्सीन इंडिया हैज डिस्प्लेड अम्पथी टू दियर नीड्स है ना एडवांस कंट्रीज जो है जो अपने आप को बोलते हैं हम पैसे वाले हैं ठीक है ना पैसे वाले हैं ये पैसे वाले लोग अपनी पीठ दिखा गए इंडिया ने जो है उनकी जरूरत को समझा इंडिया हैज़ टेकन अ पोजिशन दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ये आप लोग जब भी कोई एस एस बी वगैरह में कोई पॉजिटिव बात बोलो इंडिया के लिए ये जरूर बोल देना समझ में आया कभी वहाँ पर निगेटिव निगेटिव चलता रहे क्लियर है ना एक दो बातें जरूर बोल देना यहाँ से आपको अच्छा लगेगा जो बच्चा भी एस एस के लिए है उसके लिए मेगना कार्टा है ये चीजें वाइल इट्स एक्सपोर्ट्स टू नेबरिंग कंट्री विल भी अंडर ग्रांट मोड इनिशियल शिपमेंट ऑफ वैक्सीन टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्री विल भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनका इनिशियल शिपमेंट होगा एंड शिपमेंट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम इंडिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीचिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड राइट ब्राजील हैज रिसीव्ड टू मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन फ्रॉम इंडिया जनवरी को अभी अभी हफ्ते पहले की बात है दस दिन पहले की ब्राजील को जो है दो मिलियन डोज जो है हम लोगों ने दी हैं वाइल इंडिया इज इन इट्स फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन टू कवर हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट इंडिया से अब एक्सपोर्ट्स जो हो रहा है आर हेल्पिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो इन इनिशिएटिंग फेज वन ऑफ देयर वैक्सीन प्रोग्राम क्योंकि अब जो वैक्सीन उनकी आई है तो इसलिए अब उनके पास हमें हमारी वैक्सीन उनके पास चलेगी तो वो फेज वन में उनको भी, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया अपनी वैक्सीन को बनाना ठीक है ना ए जेस्चर वेल अप्रिशिएटेड ग्लोबली आपने देखा होगा ना हनुमान जी का फोटो दिखाया गया था कि संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं ब्राजील में है ना इस टाइप आया था तो काफी अच्छा लगा ठीक है ना तो इन अ डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी वन कैन एक्सपेक्ट द बैकलैश ऑफ सेंडिंग वैक्सीन राइट एब्रोड विदाउट वैक्सीनेशन इट्स पॉपुलेशन राइट तो कीप ट्रैक ऑफ एस डी जी दो सस्टेन डेवलपमेंट गोल हैं आप लोगों के द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टूवर्ड्स वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन इन द पोर कंट्रीज हैज जनरेटेड डिस्कशन इन द रिचर कंट्रीज अबाउट द नेसेसिटी फॉर मोर प्रोटेक्ट मैशर टू रोल आउट वैक्सीन डेवलपिंग नेशंस अब अब जब हमने पहल दिखाई तो जो आप लोगों की जो रिच कंट्री हैं उन्होंने भी जो है चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी द रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस ऑन मैनी सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स एस जिनको आप लोग बोलते हैं थ्री इन्श्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रोमोट वेलबिंग

फंडिंग काफी ज्यादा फंडिंग चाइना ने की थी ऑल दो दंडिंग वॉज नॉट इनफॉर द प्रोजेक्टिडेंट यूएस जो बाइडन डिसीजन टू जॉइन दाउ रेज एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंटली जो बाइडन साहब ने जो है इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का सोच लिया है हाउ एवर सिंस हाई एंड मिडल इनकम आर बाइंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स द प्रोम बाय कोवैक्स टू डिलीवर टू बिलियन डोजेज बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी वन सीम्स टू फेस न्यू चैलेंजेस अब कोवैक्स ने बोला है जो कोवैक्स प्रोजेक्ट है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या करेंगे दो बिलियन डोजेज जो है हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अभी एक नया चैलेंज आ गया कोवैक्स इज़ ए यूनिक केस ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू एनहैंस ग्लोबल डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर द मोर सिंस मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर परचेज फ्रॉम ग्लोबल साउथ फॉर डेवलपिंग नेशनस ग्लोबल साउथ से ही तकरीबन परचेज की जा रही हैं द कोवैक्स प्रोजेक्ट कैन ड्रू न्यू पाथवेज फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ दीज वैक्सीन आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल टू द ग्लोबल साउथ फॉर इंस्टेंस जो कोविशील्ड है हमारी कोविशील्ड दक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेने का वैक्सीन प्रोड्यूसड इन इंडिया कॉस्ट ओनली थ्री डॉलर पर डोज सिर्फ तीन डॉलर की बनी है अगर एक डॉलर आप लोग लगा लो सत्तर रुपये का सेवनटी फाइव रुपये का वैसे सेवेंटी का लगा लो दो तो मिनट के लिए फर्ज कर लो तो अगर तीन डॉलर का है तो Uh, आप लोगों का दो सौ दस रुपये का सिर्फ आपकी कोविड नाइन्टीन की आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से पड़ रही है कोवैक्सीन का जो प्राइस है वो कितना है फोर चार डॉलर है अ रिसेंट स्टडी बाय द लैंड बेस्ड ऑन कोवैक्सीन फेज वन डेटा शोज द टॉलरेबल सेफ्टी आउटकम्स लाइक दैट दैटर वैक्सीन ऐसी बात नहीं है कोवैक्सीन जैसे आप लोग कई लोग लगवा नहीं रहे थे है ना कोविशील्ड तो लगवा रहे थे लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे थे है ना तो कोवैक्सीन को भी एक लैंड uh, बेस्ड करके एक डाटा है ठीक है उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी आपकी बिल्कुल ही ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना तो लोअर प्राइस वैक्सीन इज वॉट हैज़ अट्रैक्टेड मैनी कमर्शियल बायर्स ग्लोबली अब क्या हुआ हमने तो प्राइस इसलिए लोअ किया कि भाई ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का फायदा ले सकें तो लोगों ने क्या किया उन्होंने वो उन्होंने सस्ते दामों पे खरीद लिया इंक्लूडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका दी एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन एट एंड अफोर्डेबल कॉस्ट अंडरलाइंस इंडिया इम्पोर्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज वैन इट कम्स टू ड्रग एक्सेस ठीक है ना इसलिए अगर ड्रग एक्सेस की बात करें तो इंडिया की एक इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में जो है वो देखी जा रही है कि हम लोगों ने अपनी वैक्सीन बनाई अपनी वैक्सीन हम अपने लोगों को तो लगा ही रहे हैं ठीक है ना उसके बाद वो अलग बात है अब उसमें अब देखो कोई कोई को, नेगेटिव बात करने वाला होगा नेगेटिव बात करेगा कोई पॉजिटिव बात करने वाला होगा पॉजिटिव बात करेगा दूसरा बोलेगा वैक्सीन लगवा तो रहे नहीं थी इंडिया वाले अब उन्होंने सोचा पड़ी पड़ी खराब होएंगी तो इन्होंने सोचा चलो ब्राज़ील को दे दो ये बात भी बोलेगा बात में कितनी सच्चाई है नहीं है वो वो अभी हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हम उस लेवल के लोग नहीं हैं ठीक है ना हमारे देश की वैक्सीन है हमारे उन्होंने बनाई हुई है इफ़ देर इज सम डाउट तो वो लेट द साइंटिस्ट डिसाइड हु देल वी आर वी डी ओर आर प्रताप और दीपक और एंजल कि हम डिसाइड करेंगे कि कोवैक्सीन जो है वो खराब है हम क्यों बोले आप मुझे खुद बताओ या ये अच्छा मेंटल लेवल होता है क्या ये नहीं होता कोई पॉलिटिशियन बोले वो बोल सकता है भाई ठीक है ना लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए ये हमारे देश की बात है हमें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये मेरी अपनी थिंकिंग है बाकी आप सहमत हो सकते हो सहमत नहीं हो सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज अ क्लासिक स्टोरी ऑफ द ग्लोबल कॉपरेशन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अनफॉर्चुनेटली द इंक्रीजिंग नेशनलिस्ट ठीक है हाँ सीज ऑफ़ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ड्यूरिंग द हैव चैलेंज द पॉजिटिव नैरेटिव ऑफ़ ग्लोबल कॉपरेशन राइट ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ये आप लोगों का आर्टिकल था थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा uh, आज का आर्टिकल दोनों के दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे थे एक आपका वैक्सीन से रिलेटेड हो गया दूसरा आपका बजट से रिलेटेड हो गया एक तीसरा जो मैंने आपको बताया जो बाइडन uh, साहब वाला है हालांकि उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं उन तरह की बातों को लेकिन फिर भी आपको अगर आपको टाइम है तो आप उसमें से देख सकते हो जितने वर्ड्स को मैंने बताया ठीक है उस उतने वर्ड्स आप लोग जो हैं याद कीजिए देखिए ठीक है ना अभी एक घंटे के ब्रेक के बाद दस बजे मैं आप लोगों के सामने फिर हाज़िर हो जाऊँगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर ठीक है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर हम लोग सी डी एस के रिगार्डिंग हम लोग कुछ अच्छे अच्छी चीज़ें करेंगे राइट फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा मुझे आप बताइए थैंक यू सो मच शिवानस थैंक यू विक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो आपको अच्छा नहीं लगा आप डिसलाइक कर सकते हो ठीक है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे उससे आप लोगों का ज़्यादा फायदा है राइट क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एक आपका एक ऐसा ये स्कूल टाइप में होता है एक स्कूल में आप ऐसे आ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं ठीक है ना आप लोगों को सारे काम करेंगे राइट बेटा थैंक यू सो मच राइट टेक बाय जय हिंद